फ्रेंड्स, वेलकम टू जेकेट ऑफिस अकेडमी। सो लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर GDS की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि पोस्ट ऑफिस की रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें पोस्टें जो है 12,828 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। कौन यहाँ पर एलिजिबल है, हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए, ताकि डेली की अपडेट्स जो है यहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी और इसकी जो साइट की PDF रहेगी, ऑफिशियल साइट की PDF रहेगी, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ पर हमारा है, उसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि ऑनलाइन डेट सबमिशन फॉर्म जो है 22 तारीख से यहां पर शुरू हो चुके हैं, और यहां पर इंडियन पोस्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। ये देख सकते हैं कि लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है 11/6 को जो है लास्ट डेट रहने वाली है, और लास्ट फी डेट जो रहेगी वो 11/6 रहेगी। ठीक है, करेक्शन डेट भी आपको मिलेगी, अगर बाय चांस आपका फिल करते टाइम जो है यहाँ पर जो है गलती हो जाती है, तो उसके लिए करेक्शन टाइम जो है डेट भी यहाँ पर दी गई है, 12 को करेक्शन दी जाएगी। फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि फिर उसके बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से कॉल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC की जो 100 रुपीज़ फ़ीस है, SC ST PHW की कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट जो है वो रहेगी आपकी 18 से 40, मिनिमम आपकी एज जो है 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम लास्ट जो है 40 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को जो है लगा सकते हो, बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, 128 यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से 10th क्लास आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, उसमें मैथ और इंग्लिश आपका होना चाहिए, और आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आपकी आपको पता होनी चाहिए, और आपको इसमें बोला गया है कि कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टेट वाइज इन्होंने वैकेंसी दी गई है, UP में देख सकते हैं UP की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो 160 पोस्टें वहाँ की है, उत्तराखंड की 40 पोस्टें, बिहार की 76, छत्तीसगढ़ की 342, दिल्ली की कोई भी यहाँ पर जो है वैकेंसी नहीं निकाली गई है, राजस्थान की 1408 है, हरियाणा की 8 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश की 37 है, और हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है टोटल 89 है, झारखंड की 1125 है, MP की 2992 है, केरला की कोई भी नहीं है, पंजाब की 13 है, महाराष्ट्र की 620 है, नॉर्थ ईस्टर्न की जो है यहाँ पर जो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुर इंग्लिश ये लैंग्वेज है उनकी, 4384 जो है उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है, उड़ीसा के लिए 948 है, कर्नाटका के लिए 48 है, तमिलनाडु 18, तेलंगाना 96, असम 144, गुजरात में 110 यहाँ पर पोस्टें आप पूरी देख सकते हैं, ये भी शॉर्ट नोटिस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई बच्चा यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8082874110 पर, जो है हम आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करके आपका PDF जो है वो आपको यहाँ पर प्रिंट दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फिलहाल के लिए यही था, इस नंबर पर आपको ओनली व्हाट्सअप करना है, कॉल आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्टली बताया है कि हाँ बच्चे जो हैं, मैं आपको नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, तो आप बच्चे कॉल करते हैं, कॉल पे नहीं, आपको ओनली व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करना है कि मैम हमारा जो फॉर्म है वो फिलअप करके दे दीजिएगा, तो हम आपका फॉर्म जो है फिलअप करके दे देंगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। बाकी एक अपडेट और है कि SSC CHSL के अगर बच्चे यहाँ पर फॉर्म लग रहे हैं, उसकी भी लास्ट डेट जो है 8 जून को की 6 जून को रहेगी, तो आपको अपना फॉर्म अगर ये भी लगाना है तो आप इस फॉर्म को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो ओनली 12th पास है। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।